हाँ देखिए ध्यान से, ये प्रिंस कुमार चौधरी कौन है? कुछ बस का वेट कर रहा था क्या अब तक? अब लाइव होगा, लाइव होगा, नोटिफिकेशन जाता होगा। हाँ ध्यान दीजिए, तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोग को एक कंपनी बनानी है, बनाने वाले इसको कर देना सेव। सेव करने के बाद हमें एक परचेज की एंट्री करनी है, परचेज और एक सेल करेंगे, जिससे हमें ये पता चल जाए कि हमारे ऊपर कितना टैक्स लग रहा है, सिस्टम में कहाँ मिलेगा, वो हमें इंफॉर्मेशन चेक करना है। ये कंपनी बन के तैयार, यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड सेट करते हैं, हमने यूजर नेम लगा दिया एंड एक पासवर्ड लगा दिया। ठीक, यूजर नेम पासवर्ड से हमारी कंपनी बन के तैयार। हम आते हैं ट्रांजेक्शन में, परचेज में ऐड पे आते हैं, ऐड पे आने के बाद वाउचर नंबर फर्स्ट है, इस पर जीएसटी है 28%, लोकल 28% सेलेक्ट कर लिया। F3 का इस्तेमाल करेंगे, और F3 का इस्तेमाल करने के बाद हम यहाँ पर बनाएंगे कंपनी। हमारी कंपनी है आशुतोष ट्रेडर्स के नाम से, F3 बटन दबाएंगे और यहाँ पर हमें क्रिएट करना है एक लेजर, आशुतोष ट्रेडर्स का ग्रुप हो जाएगा क्या, सनरी क्रिएटर हो जाएगा। एड्रेस भरेंगे हम, यहाँ एड्रेस दे रखा है रामकुला रोड पटौना कुशीनगर, इसको कर लेंगे कॉपी और कॉपी करके यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। ये सब पहले से आप जानते हैं, कुछ नई चीज नहीं है। यहाँ पे रजिस्टर्ड पे आ जाएंगे, और रजिस्टर्ड पे आने के बाद हमें यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है, हम इसको करेंगे कॉपी एंड कॉपी करके हम यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। और Q1ZQ है, यहाँ पे कर देंगे हम जेड, और इसको कर देंगे हम सेव। जीएसटीआईएन शुड बी 15 डिजिट, 15, अच्छा एक स्पेस ज्यादा होगा। हो गया, कंपनी बन के तैयार। अब हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, आइटम बना लेंगे F3 से, ठीक है, सीमेंट ग्रुप बना लेंगे F3 से, सीमेंट इसको प्राइमरी बना लेंगे, यूनिट बैग होगा ना, और यहाँ पर हमारा है 25 23 29 30। ठीक, एचएसएन कोड यस करेंगे और जीएसटी सेलेक्ट कर लेंगे 28%। यूनिट कितना है, बैग है नहीं है, F3 से बनाएंगे बैग, यहाँ बैग से मैच हो जाएगा, और F2 से हम कर देंगे सेव। कितना खरीदना है, 100 बैग 380 रुपए के रेट से, 100 बैग 380 रुपए के रेट से। ध्यान दीजिए, अप्लाई टैक्स पर क्लिक करेंगे, कितना हो जाएगा, ये देखो 5320 रुपये हमारा CGST और SGST कितना हो गया, 5320, यानी खरीदते समय हमने कितना टैक्स दिया, 5320 प्लस 5320, ठीक है, टोटल कितना हो गया, 10,640 रुपये। हे शांत रहिए, 5320 ये, 5320 ये, तो कितना हो गया, 10,640। तो परचेज करते समय हमने टैक्स कितना दिया, 10,640 रुपए दिया ना, यदि आईटीसी कितनी हो गई, आईटीसी हमारी हो गई 10,640, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रोडक्ट को खरीदते समय जो टैक्स हम देते हैं वही हमारी क्या है, आईटीसी। हम जो है 5320 रुपए CGST, 5320 रुपए SGST, यानी टोटल 10,640 पर टैक्स पे करें, यानी ये हमारी हो गई आईटीसी। ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है, सिस्टम में कहाँ दिखेगा ये चीज, सिस्टम में अगर इसे देखना है तो पहले इसको करिए सेव। सेव करते समय जो भी बिल नंबर है आप बिल नंबर भरिए, और भर के इसको कर दीजिए सेव। हो गया, सिस्टम में अगर आप उसको इसे चेक करना है अपनी आईटीसी, तो आप आ जाएंगे डिस्प्ले में, और डिस्प्ले में आने के बाद आपको जाना होता है जीएसटी रिपोर्ट्स में, फिर जाना होता है जीएसटी रिटर्न में, और यहाँ पे जाना होता है GSTR 3B में। और जैसे 3B में आप जाएंगे, यहाँ डेट पूछा जाएगा, स्टार्टिंग डेट 1 अप्रैल, आखिरी डेट पूछा जाएगा
तो महीने का आखिरी डेट यहाँ भर दीजिए, तो पूरे महीने का कवर हो जाएगा। हम 1/4 से भर देंगे 30/4 तक, और भरने के बाद इसको हम कर देंगे ओके। भरने का इसको कर देंगे हम ओके, और जैसे स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखो दे रखा है ना ऑल अदर आईटीसी, दिख रहा ना, यानी इस महीने हमको आईटीसी कितना प्राप्त हुआ, 5320 और 5320। बस मैं तो जो चीज कंसेप्ट में हमने पढ़ा था कि परचेज करते समय जो टैक्स देते उसको आईटीसी बोलते हैं, उसको अपने सिस्टम में चेक कर लिया कि आईटीसी हमारी कहाँ पर दिखती। आईटीसी कहाँ दिखेगी, GSTR 3B रिपोर्ट के भीतर। ठीक है, यहाँ तक कैसे पहुंचे हैं, यहाँ तक पहुंचने का देखो तरीका बहुत सिंपल सा है। आपको जाना होता है डिस्प्ले में, डिस्प्ले में जाने के बाद आपको जाना होता है जीएसटी रिटर्न में, और रिटर्न में जाना होता है GSTR 3B में। 3B में जाने के बाद आपको महीना भरना होता है जिस महीने का आपको चेक करना है, तो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल सेलेक्ट कर लिया और इसको कर लिया ओके। यहाँ पर टैक्स लाइबिलिटी दिखती है हमारी, और थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमको आईटीसी दिखाई देगा, ये दिख रहा है ना, यानी जो कंसेप्ट हमने पढ़ा था उसका प्रैक्टिकल हमको यहाँ देखने को मिल जाएगा। चलिए अब इसको हमने परचेज कितने रेट से किया था, इसको परचेज हमने किया था 380 रुपए के रेट से। अब 400 रुपए के रेट से हम इसको बेच दे रहे हैं, सेल कर दे रहे हैं, हर बोरा पीछे 20 रुपए का प्रॉफिट। बस समझ में आया, 20 रुपए का प्रॉफिट सब में। अब हमें क्या करना है, हमें जाना है एड सेल्स में। एड सेल्स में जाने के बाद हम यहाँ पे आते हैं 28% पर, ठीक है। पार्टी का नेम हमने सेलेक्ट कर लिया कैश, ठीक। और यहाँ पे हमने आइटम ले लिया सीमेंट, हमारे स्टॉक में 100 बैग दिखा रहा है, हम टोटल 100 बैग सेलेक्ट कर लिए। और सेलेक्ट करने के बाद हमने रेट भर दिया 400 रुपए, तो 40,000 का ये हो गया। इस पर लगा दिया टैक्स, 51,200 रुपये टोटल हो गए, ठीक है। ये बिल बनाना पड़ेगा, लेकिन छोड़ दे रहे हैं, ये बिल को हम करेंगे यस। यस करने प्रिंट करने पूछा जा रहा, प्रिंट करने की कोई जरूरत नहीं, हमने इसको कर दिया नो। अब अगर हम चेक करें इसी 3B में, तो हमको देखो यहाँ पे दिखेगा क्या, टैक्स लाइबिलिटी हमारी 5600 रुपये और 5600। क्यों, क्योंकि सेल करते समय 5600 रुपये हमने कलेक्ट किया। अब आप बताइए कि हमें टैक्स कितना देना पड़ेगा, आईटीसी कितनी है, 5320, 5320 कितना हो जाएगा, 10,640। यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारी आईटीसी कितनी है, आईटीसी 10,640, यही है। अब टैक्स लाइबिलिटी हम देखेंगे कितना है, शांत रहिए, 5600 प्लस 5600 कितना हो जाएगा, 11,200। क्या हमको टैक्स देना पड़ेगा, जी देना पड़ेगा, क्योंकि टैक्स लाइबिलिटी हमारी ज्यादा है। कितना देना पड़ेगा बताइए, 40, कितना, 11,200 माइनस 10,640, चलिए बताइए, 0 हो गया, यहाँ 10 में 4 जाएगा, ठीक, यहाँ 1 हो जाएगा, 11 11 से जाएगा, हाँ सही है ना, 560। गलत है, सही 660 होगा, सही, 360 और 200 जोड़ने की क्या बात, तो 5 5 60 सही है, बताना भी नहीं आता क्या, अरे देखो यहाँ आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 तो हमें टैक्स कितना देना पड़ेगा, 560। अब इसको सिस्टम में चेक करते हैं कि टैक्स में दिखेगा कहाँ, देखो स्केप से वापस आइए, हर महीने आपको जवाब दे, शांत रहो, हंसने वाली बात नहीं, हर महीने आपको जवाब देना पड़ेगा कि हमको टैक्स कितना देना है। अगर आप अकाउंटेंट के रूप में काम करेंगे, दुकानदार आपसे पूछे बाबू इस महीने टैक्स कितना देना है, सिंपल भाषा में पूछेगा, और आपको ये जवाब हर महीने देना पड़ेगा, तो आप क्या करेंगे, स्केप से यहाँ जाएंगे वापस, और वापस जाने के बाद आप आ जाएंगे ऊपर जीएसटी समरी, और समरी के भीतर एक ऑप्शन मिलेगा आपको जीएसटी समरी, और इस जीएसटी समरी में आने के बाद आप यहाँ भरेंगे डेट 1/4 से 30/4, वो महीना पूरा सेलेक्ट कर लेंगे,
जिस महीने की समरी आपको देखनी है, ओके कर देंगे। अब ये समरी आपको बताएगा कि आपको टैक्स कितना रुपए देना है। ध्यान से देखो, समरी में सबसे ऊपर क्या दे रखा है, इनपुट जीएसटी कितना हो गया, 5320, 5320 कितना हो गया, 10,640। आईटीसी में कितना लिखा था, 10,640, वो अमाउंट देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है। फिर दिख रहा है आउटपुट जीएसटी यानी टैक्स लाइबिलिटी कितना है, 11,200, वो देखो यहाँ पे दिख रहा है 11,200, दिख रहा है ना, मैच कर रहा है ना, और आगे बढ़ी है। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है ओपनिंग बैलेंस में पिछले साल का कोई आईटीसी था, नहीं था। इस महीने कितना मिल गया, 5320, और इस महीने आपको जमा कितना करना है, 5600। तो आपको जीएसटी कितना पेएबल करना है, 280 रुपए प्लस 280 रुपए, 280 जीएसटी में 280 रुपए इतना। और थोड़ा सा इसको नीचे करते हुए आइए, ये देखिए, ये समरी आपको पूरा बता देगा। ये देखो, टैक्स पेएबल विद पेमेंट डिटेल, आपको टोटल टैक्स कितना देना है, 560 रुपए। देखो ये टैक्स पेएबल कितना है, 560, 280 रुपए आपको जमा करना है सीजीएसटी में और 280 रुपए जमा करना है एसजीएसटी। बस ना, जो हमने यहाँ निकाला था 560 रुपए हमको टैक्स देना है, वो 560 हमारा देखो यहाँ पे दिखा रहा है जीएसटी पेएबल। बस ना, तो ये टैक्स आप ऑनलाइन जमा करेंगे और जमा करने के बाद फिर उसकी एंट्री बीजी में करेंगे, और बीजी में एंट्री करेंगे तो ये आपका बैलेंस हो जाएगा, यहाँ पर जीएसटी पेबल आ जाएगा आपका जीरो। बस में आ रहा ना, ये हो गया टैक्स कैलकुलेशन का मेथड कि हम टैक्स सॉफ्टवेयर से कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैनुअल भी हमने आपको बता दिया, बोर्ड पे समझा के, सॉफ्टवेयर में वो चीज कहाँ पे दिखेगी वो मैंने आपको बता दिया। इसमें कहीं कोई दिक्कत हो, कंफ्यूजन हो, पूछ लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके साथ। कहीं भी बिजी पे काम करेंगे आपसे हर महीने पूछा जाएगा बाबू टैक्स कितना देना है, हर महीने आपसे पूछा जाएगा टैक्स कितना देना है, और हर महीने आपको यहीं पे आके चेक करना है कि आपको महीने में कितना टैक्स देना है। समझ आ गया? पे अरे रुको, थोड़ा सा ऊपर करते हैं, अभी कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ये देखो, अब टेबल समझ में आया, ये टेबल यहाँ से यहाँ तक ऊपर वाली हेडिंग, हाँ ऊपर वाली हेडिंग नहीं ध्यान देना। ये देखो सीजीएसटी में 280 और एसजीएसटी में 280, भाई हमारे पास आईटीसी था 5320 का, लाइबिलिटी हो गया 5600 का, 5600 में 5320 घटाया 280 रुपया आपका। ये टेबल यहाँ से यहाँ तक, ऊपर वाली हेडिंग अलग, ऊपर वाली हेडिंग अलग, हमारे बिजनेस पर कितना टैक्स लग रहा निकाल लेंगे सॉफ्टवेयर की मदद से, हो जाएगा ना। तो आज आपको ज्यादा नहीं कुछ करना है, लैब में जाना है, यही एक ट्रांजेक्शन फिर से कंपनी बनाना है नहीं, और उसमें सिर्फ एक ट्रांजेक्शन यही करना है, एक परचेज और एक सेल, और अपना चेक करना है कि जो चीज हम यहाँ बताए हैं ये चीज वहां पे आपको मिल रही है नहीं, बस इतना चेक करना है। कल की क्लास में बताएंगे कि जीएसटी से हम रिटर्न की रिपोर्ट को एक्सपोर्ट कैसे करेंगे जीएसएम फॉर्मेट में, उसको जीएसटी के पोर्टल पर अपलोड कैसे करेंगे, और अपलोड करने के बाद वो टैक्स के अमाउंट का पेमेंट कैसे करेंगे, और पेमेंट के बाद फिर बीजी में आकर उसकी एंट्री कैसे करेंगे। एंट्री ऐसी करनी है कि पेएबल हमारा खत्म हो जाए, और ये जो 560 रुपए दिख रहा है यहाँ पे हमारा दिखने लगे, और यहाँ पे बैलेंस हमारा हो जाए जीरो। ये लाइन तो ऐसी ही रहेगी, पेबल इतना दिखाएगा, एंट्री करने के बाद पेमेंट में आपका ये 560 रुपए आ जाएगा, और यहाँ बैलेंस कितना हो जाएगा जीरो। यानी हमारे पास 560 रुपए टैक्स बना था, 560 रुपए जमा कर दिया, जमा करने के बाद बैलेंस हमारा कितना है जीरो। ठीक है, नहीं बेकार नहीं करेंगे, हाँ तुम चंदा लगा दिया जाएगा 10-10 बेकार।
सीखोगे तुम लोग तो पैसा तो तुम ही लोग दोगे ना। हम क्यों सिखाएंगे हमारे कंप्यूटर के चाय का डिब्बा भी रख देंगे, पानी भी रख देंगे, सब रख देंगे। हाँ, पास एक मेज रहेगा, उसमें चिप रहेगा, बोतल रहेगा, पानी की बोतल रहेगा, चाय रहेगा, कॉफी रहेगा, हर चीज रहेगा। हाँ, फीस दो तीन गुना बढ़ जाएगा। सबका खर्चा जोड़ के कहाँ है ना, चेक से पैसा निकाला जा रहा है इतना, डेबिट साइड में ना, देखो देने वाले का कंफर्मेशन है नहीं कि पैसा हम किसको दे रहे हैं ना, तो चेक से पैसा निकाल रहे हैं, यानी देखो हमने ये चेक किसी को दे दिया ठीक, लेकिन यहाँ उसका नाम नहीं लिखा, तो पाने वाले का कोई कंफर्मेशन तो है नहीं, तो हम यहाँ डेबिट करेंगे सस्पेंस को। निकाला गया चेक से, बैंक से पैसा निकाला गया, हाँ, वो भी चेक के माध्यम से, चेक तो बैंक से तो आएगा ही नाम उसका, जब निकाला गया है तो कैसे ना निकलेगा सर, यहाँ पे चेक का तो कोई नाम ही नहीं है। नहीं, जैसे मान लो हमने चेक बना के आपको दे दिया, आपने चेक खाते में लगा दिया, तो सीधे हमारे खाते से पैसा कटा, आपके खाते में पहुंच गया। चेक विड्रॉल का यही मतलब कि पैसा निकला है किससे, चेक से, हमने आपको चेक दिया, आपने अपने खाते में लगाया, वो पैसा चेक से आपका निकल गया, ये चेक विड्रॉल है। लेकिन यहाँ पे हम किसको दे रहे हैं उसका नाम कहीं दे नहीं रखा है, तो अगर उसका नाम पता हो तो उसके नाम से डेबिट कर देते हैं, क्योंकि पाने वाला तो वही पर्सन है, हम जिसको चेक देंगे वही तो रिसीवर होगा, वही तो पाने वाला होगा, हम डेबिट कर देंगे यहाँ सस्पेंस को और क्रेडिट कर देंगे अपने SBI के खाते। हाँ, अगर किसी का नाम नहीं पता रहता तो हम सस्पेंस की एंट्री करते, दिन बताए तो थे हम क्लास में, चेक जैसे मान लो हमने उस पर्सन को चेक दे दिया, उसका नाम यहाँ दिया नहीं गया, उसने चेक लगाया और मेरे खाते से पैसा निकाल लिया, कैश भी निकाल सकता है, कैश इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि पैसा हम उस पर्सन को दे रहे हैं, प्रभाव उसके खाते पर पड़ेगा ना, बस में प्रभाव तो उस पर्सन पड़ेगा ना, जिसको हम पैसा दे रहे हैं उसके खाते पर प्रभाव पड़ेगा, इसलिए हम उस पर्सन के खाते को डेबिट करेंगे। ठीक है, चलो इसको कल फिर हम समझा देंगे, परेशान मत हो, एंट्री करना इसको एक बार, हम और डिटेल में समझा देंगे। हम किसी को चेक दे रहे हैं, उसका नाम हमको पता नहीं, इसलिए हमने सस्पेंस में एंट्री किया।